बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। का प्लान वो बता रहे हैं, यहाँ से उनका प्लान हुआ है। उस टाइम गवर्नमेंट जनता दल और भाजपा की थी, कंबाइन गवर्नमेंट थी। उस टाइम जब भाजपा सरकार थी जनता दल की साथ, तो वो जो प्लान जो लोग हमारे ब्राह्मण जो हमारे वहाँ से छोड़ के भागे, तो उसके लिए दोषी अटल बिहारी वाजपेयी एडवानी थे। खुद एडवानी बैठक में थे और बराबर वार्ता चल रही थी। ये केवल फिल्म इसलिए बन रही, भाईचारा ख़त्म हो जाए। इस देश में भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं, हे से बना हिंदू, मीम से बना मुस्लिम, हे मीम बन के हम बने, हम से हिंदुस्तान बना। हिंदुस्तान जब ही एक मुट्ठी बन सकता है, जब हम ये सबको यहाँ पुरो, यहाँ हर कास्ट का आदमी, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, पंजाबी हो, यहाँ पर नफरत का जो बीज बोया जा रहा है, ये आगे चल के घातक होगा। जिस तरीके से रूस का हुआ था, उस तरीके से लोग साजिश कर रहे हैं। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अरे जब इस पर फिल्म हुआ आपके बनी है, तो गोधरा पे भी बनना चाहिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ भाई लोगों, ये तो बात बहुत अच्छी आपने कह दिया। जब आपके पंडितों पे बनी है, तो गोधरा पे भी बनना चाहिए। गोधरा पे फिल्म अभी बनेगी तो फौरन बैंड हो जाएगा। बात हमारे को गलत हो, बताइए आप। यहाँ पर हम चाहते हैं ये सब चीज़ों बैंड करके सियासी मुद्दों भाईचारा काम किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री से, मोदी जी से कहना चाहते, हमारा राष्ट्र जब भी मजबूत होगा, जब अस्पतालों में दवाइयाँ होंगी, अस्पताल में हमारे मेडिकल जो हमारे छात्र हैं वो उनकी तैयारी करेंगे, स्टाफ ज़्यादा होगा, अस्पतालों में अच्छा इंतजाम होगा, शिक्षा अच्छी होगी, रोजगार अच्छा होगा। ये फिल्म से कुछ नहीं होने वाला है। फिल्म से नफरत फैलेगी और इसका मुद्दा दूसरा रूप इलेक्शन का, ये 2024 की तैयारी है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, 2024 में इसको मुद्दा बनाया जाएगा। मगर इस मुद्दे से नफरत लोगों की फैलेगी और लोग दिल टूट के लिए, हमारे हजारों दोस्त ब्राह्मण हमारे भाई हैं, हमारा खून है। और हिंदू भाई हमारा भाई नहीं है, हमारा खून है, हमारा जिगर का टुकड़ा है। और जब कोई जिगर का टुकड़ा अंदर से नफरत हो जाती है, तो फिर मिलने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो दिल जोड़ने की बात करूँ, जब दिल आपका जुड़ेगा तो देश हमारा तरक्की करेगा। ये जो दिखाया गया है पिक्चर, जो हमने देखा है, थोड़ा सा देखा है, जो समय मिला है, उसमें ऐसा ही है कि जो घटनाएं दिखाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं उस समय हुई हैं। मगर इसमें कांग्रेस का कहीं से वो नहीं है, हस्तक्षेप नहीं रहा। ना तो उस समय पार्टी सत्ता में थी, कांग्रेस का दूर दूर उन पलायन करने वाले लोगों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। उस समय पर बीपी सिंह जी की सरकार थी और बीजेपी पार्टी उनका सपोर्ट कर रही थी, जिसकी फोटो भी वायरल हो रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे हैं, आडवाणी जी बैठे हैं, मुरली मनोहर जोशी जी बैठे हैं, बीपी सिंह जी बैठे हैं, ये उस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उस समय बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस नहीं। देखिए इसमें क्या है कि पूर्ण रूप से सरकारें जिम्मेदार नहीं होती हैं। इसमें हम आम नागरिकों का भी पूरा सहयोग देना चाहिए और हम आम नागरिक ही एक दूसरे के रिमोट्स को भड़काने का काम करते हैं और सरकार कोई भी करप्ट नहीं होती है। सरकार की जो है क्रियाकलापों को जो है सहयोग करना चाहिए और पब्लिक जो है होती क्या है, एक दूसरे के बहकाव में आकर गलत कृत्य करने को तैयार हो जाती है।